that your rod weight W is supported by your two parallel knife edges A and B, and is in equilibrium if a horizontal position the knife are at a distance d from each other. The center of the mass of the rod is at a distance x from A. The normal reaction on A is. ठीक है, तो ठीक है, मान लो ये रॉड है, रॉड में जो है ये बोल रहा है कि इसका जो यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर इस तरीके से बोल रहा है, इसके बीच का जो गैप है सपोर्ट का वो D है, यही बात समझे। और यहाँ पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम भी साथ में बनाता रहूँ, इसमें ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा NA, कुछ लोग RA लिखते हैं, RA भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या लगेगा? NB। और इसमें बोला है कि जो सेंटर है हमारा A से, देखो यहाँ पे लिखा द सेंटर ऑफ द रॉड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम A, तो A मैं यहाँ पर माना हूँ, B मैं यहाँ पर माना हूँ, तो इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना बोल रहा है x, तो वेट जो सस्पेंड होगा वहां, इसका रॉड का वेट कहाँ लगेगा? इसके सेंटर पे, तो यहाँ लगेगा W। मेरी बात समझे? A का पूछा है तो आप इसके रेस्पेक्ट में टेकिंग, पहली बात तो ये इक्विलिब्रियम में है, जब इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो होना चाहिए, इसको ध्यान में रखे रहना। अगर इसमें अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इस जो लोग मेरा पी वाई क्यू, मेरी बात समझे, यहां पर क्या है, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, तो बी के अबाउट हम जानबूझ के ले रहा हूं, अगर बी पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क निकालेंगे या मोमेंट निकालेंगे तो ये बी के अबाउट निकाल ले, तो जो एन बी है वो कहां से बी से पास हो रहा, तो उसकी वजह से टॉर्क जीरो हो जाए, तो निकालना ही नहीं है। तो हमको क्या समझ में आएगा कि हमारे पास यहाँ पर एक रॉड है इस तरीके से, मेरी बात समझे, और यहाँ पर एक ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स लगा है एन ए, और यहाँ एक क्या लगा है, डब्लू लगा है, इस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। तो ये जो है इसको कैसे करेगा, इस तरीके से रोटेट करने का काम करेगा, ये इस तरीके का, दोनों का डायरेक्शन देखो अपोजिट है, और यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना है जी, डी है, और अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, ये डिस्टेंस हो जाएगा डी माइनस एक्स, मेरी बात समझे कि नहीं। तो हमें अगर टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट निकालना है बी पॉइंट के, मैंने एन बी को बनाया ही नहीं क्योंकि उसकी वजह से नेट टॉर्क जीरो होगा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे आप, एन ए इंटू, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो तो इस डायरेक्शन को निगेटिव मानना, ठीक है, तो एन ए इंटू डी और माइनस डब्लू इंटू डी माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि नेट टॉर्क अबाउट ऑफ पॉइंट बी जीरो होना चाहिए, तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन ए इक्वल टू डब्लू डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो गया डी, मेरी बात समझे कि नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखे रहना इसका।